अच्छा जी, अब जो है हमारा Part-2 आ रहा है जिसमें हमें ट्रस को डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू विंड प्रोडक्ट। मीन्स के हमारे पास जो है विंड जो है दो डायरेक्शन में कभी होगी, एक साइड हमारी विंड होगी और एक साइड रिवर्ट होगी। फर्स्ट सिनेरियो हो गया हमारा, सेकंड और थर्ड सिनेरियो हमें देखना है। सेकंड सिनेरियो है हमारे पास जब हमारे पास विंड लोड लग रहा होगा एट द विंडवर्ड साइड, तो उस केस को शो करते हैं। सबसे पहले ट्रस में आएंगे, आप ट्रस ओपन करनी है, यहाँ से न्यू ट्रस आएगी, इसको सेम डायमेंशन के मुताबिक आपने डिज़ाइन करना है। हमने की है कि नंबर ऑफ स्पेसिंग इसमें होने जाना एट रखने में ठीक है, और यहाँ पे आपने जाना हाइट रखने में टू पॉइंट। अब हमें कंटिन्यू नहीं लगानी है ये पास। हमने जो प्रोसेस बनानी है कंप्लीट, ऐसे से भी हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे पास इस साइड पर जो है विंड लोड लग रहा होगा विंड वर्ड साइड पर, तो हम जो हमने जो है ना यूनिट लोड लगाया विंड लोड का, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू आपकी जो इस पार जो विंड का लोड कि कितने मैग्नीट्यूड में आया। हम लगा रहे हैं 0.5, तो 0.5 जो मैंने रिजॉल्व किया हुआ उस साइड का उस साइड पर हमारे कंपोनेंट पानी आएंगे। एक बार सारे कंपनी को रिजॉल्व करने के बाद जो है उसके बाद आगे स्टेप पे हम जैसे कि ये हमारे पास दिखाएंगे हमारे पास पैसे दिखा देंगे। अब ये जो है बता रहे हैं कि हमारे पास जो है येलो के नंबर्स आ रहे हैं, इनमें जो कंप्रेशन आ रही है और हमारे पास जो पिंक कलर के हैं वो 0.4 नंबर है और हमारे पास ब्लू कलर जो है वो क्या है टेंशन नंबर, उनमें टेंशन आ रही है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो राइस वाली पंजाबी वाले असिस्टेंट आ रही है सेम आ रही है, तो यहाँ पे जो बाटा पेपर सेम आ रही है, तो यहाँ पे आप जो है स्टोर की वाली पे चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास रूम भी थे फिर मैडम भी हैं, आप लोग मेरे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है आपके एरिया जाते हैं हमने अपने और स्ट्रेस भी हमारे वक्त के बाद यहाँ से आप इसे कर लें। ये हमारे पास ट्रस जो है फर्स्ट सिनेरियो आ गया जिसमें दूसरे सिनेरियो पे चलिए ज़्यादा कवर कर। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, पार्ट टू में हमें क्या करना है कि आप जो है हमने फोर्सेज जो है विंड फोर्स जो होगा विंड लोड रिजर्व बनाना था जो है इस साइड में रिवर्स साइड पर एक्ट कर रहा था, वही सेम कंपोनेंट हम जो हमने जो विंड वर्ड साइड लगाए थे वही हम जो है रिवर्स साइड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा बस डायरेक्ट बना लिए। अब जो है हमें जो है सैंडल हुए हमें उसको कंप्लीट करना है। आप मुझे याद रखना है कि आज जो ट्रस्ट की डायमेंशन होंगे वो आप कि
आपके ट्रस्ट के लिहाज से होगी। मैंने रिकमेंडेशन लगा दी, अगर मैंने अपने कैलकुलेशन अपने स्टेप्स के लिहाज से करी, आप जब रफ कैलकुलेशन करने के बाद जब ट्रस्ट मेरा डिपिट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। हाँ जी मेरी जस्ट आपने स्टेप और जो प्रोसीजर है उसको सॉन्ग फॉलो करना है। ठीक है, हमारे लास्ट प्रोसीजर हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस समय ये प्रोसेस बता दें कौन सी कंपनी में आपका सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सैम्पल है और कंपोनेंट है, बस उसको वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड है, यहाँ पर जो 0% नंबर आ रहा है, राइट साइड पर सिर्फ 0% नंबर आ रहा है, और डाटा में हमारे पास जो रिएक्शन सपोर्ट भी आ रहे हैं उसकी वैल्यू देखना हमें बता दिया। यहाँ पर ट्रस्ट क्या हुए हैं जो यहाँ पर भी हमारे पास इसमें ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल बैंक है, और यहाँ पर ये ट्रस्ट में ये पार्ट था, हमारे लिए था और हमें स्नैलिटी भी होंगे और स्नैलिटी।